Hello students, today we discuss our SST chapter 3, class 10 English medium. Third chapter is industries in India. हमारी इंडिया में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती है ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी, हमको भारत से भी इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए जो इंडस्ट्री वो किस तरीके से हेल्पफुल है. और यहाँ हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है वो देख रहे हैं. यहाँ मैंने टू टाइप्स लिखे हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे वो टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब जो स्वामित्व होता है, जिसका राज्य होता है इंडस्ट्री पे, उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड इनटू फोर कैटेगरीज. हम आज से इनको कितनी फोर कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं. प्राइवेट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एंड मिक्स्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री. इसमें जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, कोई एक खुद अकेला इंडिविजुअली कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है या कोई ग्रुप मिलकर अगर इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है तो किस टाइप की इंडस्ट्री होती है? प्राइवेट, क्योंकि वो खुद की होती है. देन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, उसके नाम से पता चल रहा है कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको कौन गवर्नमेंट स्टार्ट करती है उस टाइप की इंडस्ट्री हमारी होती है गवर्नमेंट इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सह मतलब सहायक है ना, मतलब इसमें शायद गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट दो लोग मिलकर और साथ मिलकर के कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोई साथ में अगर आप कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो और आपकी जैसे कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो उस टाइप की इंडस्ट्री क्या होती है हमारी? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. इसके बाद होती है मिक्स्ड इंडस्ट्री, ओन्ड बाय टू और मोर ओनर्स. इसमें जो स्वामित्व होते हैं, जो मतलब हमारे जो स्वामित्व का जिसका अधिकार होता ऑनरशिप होती है वो टू और मोर देन होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ होती है. तो ऐसी इंडस्ट्री हमारी क्या होती है? मिक्स इंडस्ट्री होती है. ये हमारा फर्स्ट इसका मतलब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के बेसिस पे हुआ. देन सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अगर हम साइज के बेसिस पे भी देखें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया और फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री. ये नाम से पता चल रहा है. सबसे फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे कि हम कितना पैसा हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम कितना 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर हम कोई पैसा हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लगा रहे हैं तो वो हमारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है. इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा आयरन स्टील, जो ये कंपनियां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है टाटा आयरन और स्टील की, ये सब हमारी क्या है? लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है. सेकंड है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. मीडियम नाम से पता चल रहा है मध्यम की है. इसमें 5 करोड़ to 10 करोड़ मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है. इसका एग्जाम्पल देखो तो लेदर इंडस्ट्री, जो लेदर की चीजें बनती है, आपके बेल्ट है, पर्स है, और जितनी भी चीजें हैं जो लेदर से बन रहे हैं हमारे, वो सब इंडस्ट्रीज इसमें चलाते हैं. देन थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नाम से पता चल रहा है बहुत छोटे स्केल पर होती है, फिर भी इसमें अब 10 करोड़ to 5 करोड़ हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 करोड़ to 5 करोड़. और इसमें जो एग्जाम्पल है वो लैक इंडस्ट्रीज, लैक की जो भी चीजें बनाई जाती है उसमें इस टाइप की इंडस्ट्री को हम इंक्लूड करते हैं. देन फोर्थ है कोटेज इंडस्ट्री, ये बहुत छोटे स्केल की होती है. उसके नाम से पता चल रहा है हम घर में भी चला सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती बनाना है, दिया सलाई बनाना, बत्तियां बनाना और जो भी चीजें छोटी मोटी है. इन्वेस्टमेंट इज नॉमिनल एंड विच आर रन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर. इसको हम किस हमारे फैमिली के जो जितने भी लोग हैं सब इसमें हम काम कर सकते हैं. जैसे कि हमने अगरबत्ती की इंडस्ट्री स्टार्ट की है तो सभी परिवार के जितने फैमिली के मेंबर हैं सब उसमें हेल्प कर सकते हैं. तो इस टाइप की इंडस्ट्री में कोई ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, हमारे पास जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं. जितना मतलब पैसा लगाएंगे माल मतलब उतने का माल लेके आएंगे, फिर माल अगर हमारा बिक जाता है तो वापस से हम खरीद के ले आएंगे. मतलब इसमें ऐसा कुछ करोड़ों में नंबर्स नहीं होते, हम जितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है बास्केट बनाना और डलिया वगैरह बनाना, फूल बनाना, फूल मोतियों की माला बनाना, ये सब हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है. इसके जो और टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.